खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो गुरुजी। आ गई है दिवाली और इस दिवाली पर क्या खास आपको ध्यान रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि ये दिवाली क्या आपके लिए लक वाली साबित होगी। अब से ठीक एक साल तक क्या क्या होने जा रहा है आपके साथ, आज राशिवार तरीके से हम गुरुजी से जानेंगे और साथ ही ढेर सारे उपाय भी। और आप जानते हैं इसके लिए हमें क्या करना होता है। राम राम गुरुजी। मां भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाज प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। और दिवाली की हम लोगों की ओर से, पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। तो गुरुजी, अब से ठीक एक साल तक अगर हम ये माने कि ये दिवाली क्या लेकर आ रही है हमारे लिए, तो किस तरह का प्रभाव लोगों पर और राशियों पर पड़ने जा रहा है? क्या खुशियां ही खुशियां होंगी या चुनौतियां भी मिलेंगी? बहुत चुनौतियां हैं। हाँ। और जो सेक्टर्स हैं जहां लोग इन्वेस्ट करते हैं या जहां लोग व्यापार करते हैं या जहां के व्यापार से उनकी नौकरी जुड़ी हुई है ना, तो इन सब में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। कहीं सुखद भी होगा, कहीं कम सुखद होगा, तो उसके लिए आप उपाय कीजिएगा। इन बातों को दीपावली से और बढ़िया मौका नहीं हो सकता विस्तार से बातचीत करने का। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। क्या उपाय आप कर सकते हैं आज हम गुरुजी से जानेंगे और साथ ही राशिवार तरीके से गुरुजी आपको बताएंगे कि इस दिवाली आपको क्या मिलने वाला है और क्या रखना है ध्यान। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरुजी, पहले चार राशियों का हाल। जी, मेष राशि की बात करते हैं। खर्चे बढ़ेंगे, आमदनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी और जो खर्चे बढ़ेंगे उससे आपको हानि भी हो सकती है। तो मेष राशि के लोगों को बचत पर ज्यादा ध्यान देना है बजाय निवेश के, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। कहीं ऐसी जगह जल्दबाजी में निवेश मत कर दीजिएगा जहां पहले करते थे और खूब लाभ कमाते थे, लेकिन समय भी बदलता है ना, वही व्यक्ति है, वही डिसीजन है, लेकिन समय बदल चुका है इसलिए परिणाम वो नहीं आएगा। इसलिए मेष राशि को थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। खर्चे बढ़ेंगे, आमदनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, इसलिए अपने निवेश का जोखिम कम से कम उठाइएगा। और उपाय के तौर पर बड़ी सीधी सी बात है इसमें, ऐसे लोगों को जो कहीं निवेश करते हैं या कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है, जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करें इन 12 महीनों में तो घी बांट दें। कौन सा? गौ माता का घी, वो घी बांट दें और फिर देखिए प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि के लिए खर्चे का समय है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि यह खर्च आपको आगे जाकर लाभ देने वाला है। ये एक बड़े परिवर्तन का समय है जिससे आगे आने वाले 12 महीनों में आपको गुजरना पड़ेगा, बड़ा परिवर्तन है, लेकिन इस परिवर्तन में अंततोगत्वा आपकी जय होगी। खास तौर से ये दिवाली कह रही है कि दिसंबर ऑनवर्ड्स आपके लिए बेहतर होगा, समस्याएं खत्म होंगी, धन की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। फिलहाल ध्यान से चलना है। अब आपको फिलहाल वाला जो मैंने ये एक्शन किया था इसका मतलब समझ गए होंगे, इस वक्त ज्यादा ध्यान से चलना है क्योंकि इस वक्त धन हानि होती दिखाई दे रही है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है इसके लिए कि पांच रविवार आप अनाज का दान कर दिया कीजिए और मंगलवार को नमक खाना छोड़ दीजिए, बस प्रभु जी सब अच्छा कर देंगे। मिथुन राशि की यदि बात करें तो ये दिवाली संकेत दे रही है कि चीजें बेहतर होंगी, आपके अच्छे परिवर्तन होंगे, नौकरी में बेहतर परिवर्तन होंगे, व्यापार में आपको लाभ होगा, लेकिन अप्रैल तक थोड़ा धैर्य से चलेंगे तो लाभ होगा। कुल मिला के आपके लिए 12 महीने अच्छे हैं, बस जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा निर्णय मत ले लीजिएगा। जो आपके कुव्वत हो, यानी जो आपकी कैपेबिलिटी हो, ये कैपेसिटी हो, उसका 25% से ज्यादा कहीं निवेश मत कीजिएगा, चाहे शेयर मार्केट हो, बुलियंस मार्केट हो और चाहे कोई व्यापार हो। और आप नौकरी में भी परिवर्तन सोच समझ के कीजिएगा तो आपको धन का संकट नहीं होगा। कभी कोई परेशानी यदि हो तो आप बकरी की सेवा कर लिया कीजिएगा और साथ साथ ओम गंगणपताय नमः का जप कर लिया कीजिएगा। और
माँ दुर्गा की उपासना करने से आपको लाभ होगा। कर्क राशि, सेहत मत खराब कर लीजिएगा धन की कमी को लेकर। धन की कमी होगी, अगली दिवाली तक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कहीं आपका धन किसी ऐसे कार्य में लग जाएगा जो आगे जाकर आपको बेनिफिट्स देगा, लेकिन बेनिफिट देगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, और वो छोटा सा काम क्या है? बुजुर्गों से अच्छा व्यवहार करना है एक बात, और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि एकादशी का उपवास और विशेष जप ये आपको करना है, और ओम दुम दुर्गाय नमः का नियमित रूप से जप पूजा पाठ करना है। जीवन को सात्विक बनाइए और अपने रास्ते पर चल दीजिए, हार नहीं हो। तो देखा आपने कितने आसान से उपाय हैं। तो आज आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि गुरुजी राशिवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि ये दिवाली आपके लिए दरअसल लाई क्या है, और अब जो बीच की चार राशियां हैं उनके लिए दिवाली क्या लाई है गुरुजी। तो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन। सिंह राशि, आपके लिए तो समय अच्छा है, आगे आगे जो समय आएगा ये आपको लाभ ही देगा। धन की स्थिति आप बेहतर आप कर पाएंगे, कुछ नया भी आप कर सकेंगे। बस थोड़ा सा मन डावाडोल करेगा तो आप अपने धन को, लिमिटेड सोर्सेस को कई जगह लगा देंगे। डावाडोल होने की वजह से आपको नुकसान हुआ तो हुआ, अन्यथा नुकसान नहीं होगा। इसलिए एक मार पकड़िए, उस पर चलते चले जाइए। ये जो 12 महीने हैं, अगली दिवाली तक का जो समय है, ये आपके लिए लाभ देने वाला है। इसमें परिवर्तन होगा, और परिवर्तन कैसे होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाना है आपको। परिवर्तन ये होगा कि जो व्यापार आप कर रहे हैं या जो जॉब आप कर रहे हैं, वहां आपका प्रोफाइल बढ़ जाएगा और इससे आपको धन लाभ भी होगा। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है, निश्चिंत रहिए, आगे बढ़ते चले जाइएगा। कभी कोई परेशानी आप महसूस करें, सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिएगा, पिताजी को दूध या दूध से बनी हुई चीजें देना शुरू कर दीजिएगा, और माता पिता को गंगा किनारे या किसी नदी के किनारे कभी कभी घूमने के लिए अवश्य भेजिएगा। एक काम और कर दीजिएगा, दिवाली की रात को पूजा करने के उपरांत अपने माता पिता को आप चांदी की कोई चीज भेंट कर दें। कन्या राशि, आप यदि व्यापार करना चाहते हैं तो करिए, आपके लिए व्यापार में आगे बढ़ने का वक्त है। आपके लिए निवेश के हिसाब से भी समय उचित है। बस जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ इतनी सी है कि कभी भी क्रोध में, बदले की भावना में, अति के लालच में, अब व्यापारी हैं तो थोड़ा बहुत तो देखिए लालच हो गई, लेकिन अति के लालच में कोई कार्य मत कीजिएगा। यदि आप किसी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं तो वहां का प्रोफाइल बढ़ेगा, तो जब आपका प्रोफाइल बढ़ेगा तो अपनी कुर्सी के साथ न्याय कीजिएगा, अन्याय मत कीजिएगा, दंगा फसाद मत करवाइएगा, षड्यंत्र मत कीजिएगा, राजनीति मत फैलाइएगा। ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। तो एकदम सात्विक तरीके से आप चलते रहिए, लाभ आपको होगा। अगली दिवाली तक आप एक बेहतर मुकाम पर पहुंचेंगे। अब इसमें एक चीज है, खरीद फरोख्त करना, सोना, चांदी, घर या और कोई बड़ी चीज, इसमें वाहन भी नहीं, और कोई बड़ी चीज, वाहन से भी, वाहन बहुत महंगा है तो बड़ी चीज है। तो जब भी ये कोई खरीद फरोख्त करें, आप एक काम जरूर करिएगा, शीशे की छोटी सी बोतल में कच्चा दूध भर के और उसे किसी वीरान जगह में जाकर दबा दीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपके लिए समय अच्छा है, आराम से अपना कार्य कीजिए, बस फजूल खर्ची से आपको बचना होगा। तुला राशि, अगर आप निवेश कर रहे हैं या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नई जॉब करना चाहते हैं, तो स्थिति अच्छी नहीं है, वो मैं आपसे करने के लिए मना करूंगा। लेकिन यदि आप जहां हैं वही कार्य को बढ़ाना चाहते हैं तो स्थिति अच्छी है, वह आपको लाभ हो जाएगा, आर्थिक लाभ भी होगा, और अच्छा आर्थिक लाभ होगा, प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, उस प्रतिष्ठा से भी आपको आर्थिक लाभ होगा। सुदूर यात्राएं होंगी और उन सुदूर यात्राओं से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, देश यात्रा भी संभव है। अब एक समस्या है,
पार्टनरशिप में यदि कोई आपको व्यापार करने के लिए कहे तो मना कर दीजिएगा, या ऐसी पार्टनरशिप कीजिएगा जिसमें आपका हिस्सा अलग हो, उसका हिस्सा बिल्कुल अलग हो, बस एक छत के नीचे बैठकर काम जरूर कर रहे हैं। अगर आपने पार्टनरशिप करी तो नुकसान होगा, क्योंकि मित्र जो अभी मित्र हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं, कोई व्यक्ति आपको बरगला सकता है, बहका सकता है, उसका लाभ हो सकता है, आपकी हानि हो सकती है। तो ये बात मेरी इस दीपावली पर गांठ बांध कर रख लीजिए, अपने इसकी उपासना कीजिए, आगे बढ़िए, वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि को बहुत ध्यान से चलना है, हो सकता है आपके निर्णय ठीक हो, काम समय पर शुरू करें, लेकिन ये भी संभव है कि आपके स्वास्थ्य की वजह से प्रॉब्लम हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वृश्चिक राशि के वो लोग जो भी खाद्य पदार्थों से डील करते हैं या करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वहां आपको लाभ मिलेगा। अपने इष्ट की उपासना करते रहे, बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। पानी वेस्ट नहीं करना, नमक वेस्ट मत करना, मंगलवार को नमक मत खाना। तो अपने उपाय आप नोट करते चलिए, बहुत ही आसान से उपाय हैं, और सावधानियां मत भूल जाइएगा, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आज के दिन आपके लिए पूजा का असली और शुभ मुहूर्त क्या होगा ये भी हम गुरुजी से जानेंगे, आप बने रहिए। लेकिन उससे पहले अंतिम चार राशियों का हाल जान लीजिए, गुरुजी उनके लिए दिवाली क्या लाई। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोग आगे 12 महीनों का हाल प्लस उनको क्या उपाय करने होंगे वो ध्यान से सुने। धनु राशि व्यापार अच्छा कर सकती है, व्यापार में परिवर्तन भी कर सकती है, धनु राशि के लोग नौकरी में भी परिवर्तन कर सकते हैं, वहां आपको लाभ होगा, लेकिन ये लाभ होगा आपको अप्रैल के बाद, इसलिए अप्रैल तक ना करें तो अच्छा है, रुक जाएं तो बहुत ही अच्छा है, अगर रुकने का मन नहीं, क्योंकि अब बेचैनी बढ़ रही है आपके अंदर तो नहीं रुकना चाहते, तो आप तैयारी करते रहिए, लेकिन पैसा खर्च अप्रैल के बाद ही कीजिएगा। आपके लिए फूड प्रोडक्ट्स का काम बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी किस्म का फूड प्रोडक्ट का काम हो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, आईटी सेक्टर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, पत्रकारिता मीडिया ये सब आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं, आगे बढ़िए और अपने इष्ट की उपासना करते रहिए। जब परेशानी महसूस करें तो बृहस्पतिवार को उपाय कर लिया कीजिएगा कोई भी, सब ठीक हो जाएगा। मकर राशि के लिए समय अच्छा तो है, लेकिन ये समय अप्रैल से शुरू होगा तब बहुत अच्छा रहेगा, अगली दिवाली से पहले आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो संभल जाएगी, चाहे नौकरी आप करते हो चाहे व्यापार आप करते हो, व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे अप्रैल के बाद से, और अगर वो पहले खुल भी रहे हो तो उस पर काम मत कीजिएगा, काम अप्रैल के बाद ही कीजिएगा, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अप्रैल तक तो जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको फायदा नहीं के बराबर है, लेकिन अप्रैल के बाद आपको लोहे में फायदा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में फायदा हो सकता है, मशीनरी से फायदा हो सकता है, ऑयल से फायदा हो सकता है, फायर प्रोडक्ट से आपको लाभ हो सकता है, मेडिसिन से आपको लाभ हो सकता है, या नौकरी में आपको जर्नलिज्म में, या आप लॉयर हैं या आप टीचर हैं तो आपको लाभ हो सकता है। तो कुल मिला के समय आपके लिए अनुकूल तो है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा अप्रैल से बुरी आदतें छोड़ दीजिएगा, तंबाकू या किसी भी प्रकार का नशा ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, बस इतना, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी शिव जी की उपासना कीजिएगा यदि कोई परेशानी हो। कुंभ राशि के लोगों को काफी फायदा होगा अगली दिवाली से पहले पहले, फरवरी से ही थोड़ी सी चीजें बदलनी आपकी शुरू होंगी, हाँ जून से अगस्त के बीच में थोड़ा झटका जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर स्थितियां संभल जाएंगी। तो आपके लिए कुल मिला के दिवाली कुछ अच्छी सूचनाएं ला रही है। बाजार में जो लोग निवेश करते हैं वो अच्छा है, जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानियां दिखाई दे रही हैं, जो लोग खेती किसानी का काम करते हैं उनके लिए समय ठीक है, औसत है, जो लोग मशीन या दवाइयों से संबंधित काम करते हैं
उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग इंपोर्ट करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग विदेश जाकर कुछ व्यापार आदि करना चाहते हैं उनके लिए भी समय ठीक है। तो कुल मिला के समय ठीक ही है। हाँ, नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा, इसलिए जो नौकरी चल रही है उसे अप्रैल मई जून मई तक तो उसे खींचने की कोशिश करें, नहीं हो पाए तो एक अलग बात है। लेकिन नौकरी पेशा लोगों को सूर्य की उपासना करनी शुरू कर देनी चाहिए। जोर पहला रविवार मिले आपको नवंबर का 2 या 3 में होगा, बस यहीं से सूर्य की उपासना करनी शुरू कर दीजिएगा। रोज़ाना सूर्य को जल दीजिएगा और रविवार के दिन गुड़िया गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान जरूर कर दिया कीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है। जो लोग किसी का प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहे हैं पार्टनरशिप की तरह से ही, उन लोगों को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन मीन राशि के वो लोग जो नौकरी पेशा हैं उन लोगों को लाभ नहीं, एक नौकरी जाएगी भी तो दूसरी बहुत जल्दी आ जाएगी, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों के लिए समय ये अनुकूल है। अब कोई नुकसान दे सकता है आपको, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए अपने अकाउंट्स वगैरह सब अच्छे से रखिएगा। पार्टनरशिप में यदि आप काम कर रहे हैं तो अपने व्यापार पर बेहतर पकड़ बना के रखें। तो कुल मिला के समय अच्छा है, ये दिवाली कुल मिला के आपके लिए बहुत अच्छी है। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि इसमें पैसा ना खराब हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दवाइयों का दान कर दिया कीजिए, जहाँ बीमार महसूस करें अपने आप को दवाइयों का दान कर दिया कीजिएगा। तो कुल मिला के आपके लिए समय अच्छा है, इसका आनंद उठाइए। अब देखिए, आपको पता चल गया कि क्या उपाय आपको करने हैं और जो छोटी मोटी सावधानियां आपको रखनी है, जो चुनौतियां आने वाली हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान से उपाय हैं, उन्हें आप जरूर करिए। और अब आज का विशेष मुहूर्त, गुरु जी आज के दिन लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है, लोगों ने घर की साफ सफाई की है, 1 महीने तक खूब जगमग जगमग दरबार सजेगा आज, लेकिन पूजा कैसे और कब करनी है? हाँ, पूजा का जो समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। और बहुत सारी मजबूरियों के चलते हम पूजा के समय का ख्याल नहीं रख पाते। तो मैं आपको 2-3 समय लिखा दूंगा अभी पूजा के, और इस समय पर ही आपने पूजा करनी है। लिखिए, प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त लिखिए, शाम को 5:36 से 8:12 तक प्रदोष काल की पूजा का समय है। वृषभ काल की जो पूजा है, जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है सारे गृहस्थी के लिए, वह है शाम को 6:42 से 8:37 तक। उसके बाद महानिशिता काल की पूजा जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें एक समय तो है रात को 11:39 से 12:31 तक, और जो साधक लोग हैं जो जप करना चाहते हैं वह इसी समय का इस्तेमाल करें। और इसके बाद सिंह काल की पूजा है, जिनके ये सारे मुहूर्त भी रह जाते हैं वह सिंह काल में पूजा कर सकते हैं। समय लिखिए, रात को 1:12 से लेकर 3:30 तक। अब इसमें रात को 11:39 के बाद की जितनी भी पूजाएं हैं इसमें आप माँ लक्ष्मी की उपासना भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने यंत्रों को सिद्ध कीजिए, और या फिर आप अपने जप को सिद्ध कीजिए। इस समय में पूजा के अत्यंत विशेष परिणाम प्राप्त होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए इस मुहूर्त को, और इसी मुहूर्त में ही पूजा करें ताकि लक्ष्मी माता का पूरा आशीर्वाद आने वाले पूरे साल पर आपके घर में बरसे, खूब ढेर सारी खुशियां आए। और अब बारी है आज के दिन के विचार की। गुरु जी आज का विचार क्या है? बड़ा खास है और आज के दिन से ही जुड़ा हुआ है, बल्कि उसे एक उपाय समझ लीजिए आप। नकारात्मक प्रवृत्ति के साथ किए जाने वाला कार्य या व्यापार स्थायी रूप से सफल नहीं होता। अरे वाह, मतलब दिवाली का मौका है, रोशनी का मौका है, तो देख लीजिए पॉजिटिविटी हमेशा रखिए और नकारात्मक भावना मत रखिए, वरना जैसा गुरुजी ने आपको बताया कि आप कोई भी अच्छा बड़ा काम करने चले भावना ठीक नहीं तो कुछ ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो
आप सभी लोगों को दीपावली की फिर से हम लोगों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जो चीज़ें मैंने एहतियात के तौर पर बताई हैं आपको, ज़रूर आप उसका ध्यान रखिएगा, वो गड़बड़ियाँ बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। और जो हम लोगों ने उपाय आप तक पहुँचाए हैं वह उपाय आप ज़रूर करिएगा, तो उससे जो ख़राब समय भी होगा प्रभु की कृपा से वह ठीक होगा। तो खुल के जीना है, आनंद से जीना है, और जो प्रभु जी दे रहे हैं उसे स्वीकारना है, ठीक है ना। अच्छा होगा, ये उपाय कीजिए, बेहतर होगा। तो दिवाली की पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, नशा नहीं करना है, जुआ तो बिल्कुल नहीं खेलना है, लुटिया डूब जाएगी इस बार जो जुआ खेलेगा, ग्रह योग ऐसे, हाँ, और आग वगैरह से थोड़ा सा ख्याल रखने की इस बार जरूरत है। मंगल ऐसा योग बना रहा है कि इसमें परेशानी हो सकती है। ठीक, तो कहिए जी जरा, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय, और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।